जहाँ तक कि शिवसेना की बात है शिवसेना अब रियल शिवसेना आपके साथ है ऐसे में हम देख रहे हैं जो लड़त हो रही है वो ज़्यादा तौर पे यू और शिवसेना में अधिक तौर पे हो रही है केंद्र में भाजपा है राज्य में है 115 सीटें आपकी हैं विधानसभा की तो ऐसे में फुलफ्लेज कुन, कुन, कुछ ऐसी जो फाइट्स हैं वहाँ पर भाजपा क्यों नहीं लड़ रही है देखिए ऐसा है कि हम अलायंस पार्टनर्स से क्या शिंदे जी का प्रेशर है नहीं प्रेशर की बात नहीं है देखिए कोई भी अलायंस ये गिव एंड टेक में होता है ये रिस्पेक्ट से होता है हम दबाव में लाकर उनसे सीटें छीन ले ऐसा अलायंस नहीं होता और ऐसा करने वाली बीजेपी है ही नहीं हम तो देने वाले लोग हैं पिछले बार हमने पालघर दे दी उनको हमारी सीट बार पालघर किसको जाएगी इस बार हमें मिलेगी उन्होंने हमको वापस कर दी शिंदे जी ने खुद हमको वापस कर दी और बाकी सीटों का बंटवारा हमारा हो चुका है थाने उनके पास है साउथ मुंबई उनके पास है नासिक उनके पास है और पालघर हमारे पास है तो इसलिए कोई दबाव है ऐसा मैं नहीं कहूँगा हाँ एक हेल्दी डिस्कशन हम लोगों में हुआ उनके साथ अजीत दरा के साथ और फिर सारी पॉलिटिकल रियलिटी कुछ पॉलिटिकल मजबूरियाँ इन सब का सम टोटल करते हुए हम लोगों ने सीटों का बंटवारा किया है कल तक सबको लग रहा था कि नासिक से भुजबर ही चुनाव लड़ेंगे लेकिन आज हम देख रहे हैं कि वो सीट जो है वो शिवसेना को चली गई भुजबल जी चुनाव लड़े इस प्रकार का विचार सामने जरूर था और एनसीपी को सीट मिलती तो भुजबल जी ही चुनाव लड़ते लेकिन शिंदे जी ने एक बात हम लोगों के सामने ये रखी कि देखिए मेरी सिटिंग सीट अगर मैं दूंगा तो एक प्रकार से मेरी पार्टी में वो ठीक से नहीं जाएगा क्योंकि ये लोग मेरे साथ आए हुए हैं तो ये मेरी सिटिंग सीट है और पहले से मेरे पास या शिवसेना के पास ये सीट है तो इसलिए इस सीट को आप न ले इसलिए वो सीट अब शिवसेना के पास जा रही है अगर वो एनसीपी को जाती तो जरूर भुजबल साहब लड़ते